नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसा भी स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। ऑप्शन बाइंग के लिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जो हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा प्रॉफिट देखे गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो इसके लिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको बैंक निफ्टी का 45,000 का कॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और राइट साइड में निफ्टी का 21,200 का कॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोनों चार्ट को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सॉफ्टवेयर में ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका सिग्नल होता है, जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में बैंक निफ्टी के ऊपर पहले फोकस कीजिए, देखिए बैंक निफ्टी में 318.4 इस वैल्यू में कॉल दिया है, जो ग्रीन कलर का एरो ये आपका सिग्नल है। अब इस सिग्नल को कंफर्म करने के लिए आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए, देखिए ऑप्शन बाइंग बहुत ही मतलब एक ऐसा चीज है, यहाँ पर एक छोटा सा गलती आपको लंबा लॉस दिला सकता है और एक सही पोजीशन आपको लंबा प्रॉफिट भी दिला सकता है। तो ये जो बाय का कॉल है यहाँ पर एंट्री लेने के पहले यहाँ पर तीन कंडीशन को हम लोग कंफर्म करते हैं। पहला चीज है बाइंग का टाइम नीचे का जो रिबन इसका कलर को आपको देखना है, ये रिबन अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स आ चुका है। सेकंड कंडीशन, बाय का कॉल का पहले ग्रीन स्टार बनेगा, जो आपको दिख रहा है ग्रीन स्टार बन चुका है, ये आपका सेकंड कंफर्मेशन है। एंड थर्ड कंफर्मेशन में नीचे वाला इंडिकेटर है जिसे हम लोग ब्रिक्स ब्रेकआउट कहते हैं, तो ब्रिक्स का कलर को ग्रीन होना चाहिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट कलर का ऊपर होना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर एक साथ मैच होता है तभी जाके कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा कंडीशन मैच था तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड लिए। ट्रेड लेने का टाइम ऊपर में आपको एक ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक अंदाजा होता है जो इतना दूर तक मार्केट जा सकता है, तो आप इतना दूर तक रिस्क लेंगे अगर आपको एग्जिट नहीं आता है। एग्जिट का मतलब होता है ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर जहां पर व्हाइट को तोड़ के नीचे आ गया तो ये है आपका फाइनल एग्जिट, मतलब इसका बाद आप वेट नहीं कर सकते। बट इसका पहले अगर आपको रेजिस्टेंस तक हिट करते हुए दिख रहा है तो यहीं पर निकल जाना सेफ रहेगा। जैसे इस कैंडल पे मार्केट 666 का हाई मारा था, आप एंट्री ले रहे थे 318 पे, तो ऑलरेडी 300 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहां पर ले लिए है बैंक निफ्टी में, जहां पर हम लोग का एक्सपेक्टेशन होता है 50 से 60 पॉइंट। तो इस चीज को समझना है, हमेशा 50-60 पॉइंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कभी 20-30 पॉइंट से भी मार्केट रिवर्सल हो जाता है और कभी मार्केट 300-400 पॉइंट का भी रैली देता है, तो उस रैली को उठाना चाहिए। तो यहां पर एंट्री लेने का टाइम तीनों कंडीशन को मैंने मैच किया, एग्जिट करने के लिए एग्जिट का तरफ ध्यान दिया, अदरवाइज मैं रेजिस्टेंस तक देखा, अगर रेजिस्टेंस उसका पहले आ गया तो मैं रेजिस्टेंस में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। वही सेम कंसेप्ट अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, 151 के आसपास बाय का कॉल मिला था, कंडीशन सारा मैच था, रेजिस्टेंस यहाँ पर 291 तक था, तो देखिए उतना जाया गया नहीं, 277 तक आया गया था, 10-12 पॉइंट के लिए ये आपको टच नहीं कर पाया रेजिस्टेंस को। बट फाइनली अगर मार्केट रिवर्स हो गया यहां पर, मैं यहां पर मेरा पोजीशन को निकाल लूंगा। तो यहां पर भी अगर हम निकालते तो 218, मतलब आप फिर भी यहां पर 60-70 पॉइंट प्रॉफिट लेके निकल रहे। तो इस चीज को समझना है, अगर आपका एंट्री एंड एग्जिट प्रोमिनेंट हो गया तो आप कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर्स है, तो एग्जिट पे ध्यान जरूर दीजिए, तब जाके आप मंथ एंड में एक अच्छा खासा रिटर्न ला पाएंगे। तो प्रॉफिट को जैसे इंक्रीज करना है, लॉस को ऐसे डिक्रीज करना है। अगर आप प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करेंगे तो लॉस को बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। तो कैसा लगा लॉजिक जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसा हम लोग एलएस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटी भी दे रहा है, इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेड है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो इस रिगार्डिंग, इस मार्केट रिगार्डिंग अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके ओपन करके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। एंड बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, एंट्री एंड एग्जिट पे फोकस कीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस का पीछे मत दौड़िए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिएगा एंड टारगेट को देखने का जरूरत भी नहीं है। थैंक यू।